गाइस आज शुक्र आज वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट। आज हम देखेंगे गॉस सीडीएल मेथड और जैकोबी मेथड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अभी आईडी पे दिख रहा होगा वो तुम वहां से देख सकते हो। इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये सब क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, सब सीखेंगे आज पर। ठीक है, चलो तो देखते हैं गॉस सीडीएल मेथड। सबसे पहले ये मेथड क्यों है, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, मैंने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का, अपन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो हमने तीन मेथड देखी थी, मतलब दो मेथड देखी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तीन थी, इनडायरेक्ट में दो थी। डायरेक्ट में तीन कौन कौन सी थी, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और एक और थी। और इनडायरेक्ट में दो थी, गॉस सीडियल मेथड और जैकोबी मेथड। ये दो मेथड थी, ठीक है। तो बाकी अपन पढ़ चुके हैं, अपन ऐसे देखते हैं आज। तो आज इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई गॉस सीडियल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे जैकोबी मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो गॉस सीडियल मेथड बहुत आसान है, जैसे पुराना न्यूमेरिकल एनालिसिस ही पूरा आसान है। सिर्फ क्वेश्चंस कर लो, दो चार तो तुम्हें क्लियर हो जाते हैं कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो गॉस सीडियल मेथड में क्या होता है, हमें ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इन लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख देते हैं। जैसे मैंने इस इक्वेशन की हेल्प से एक्स की वैल्यू लिख दी, इस इक्वेशन की हेल्प से वाई की वैल्यू लिख दी, इस इक्वेशन की हेल्प से जेड की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब पहली स्टेप हमारी होगी कि हम x इक्वल्स टू निकालेंगे कुछ, जिसमें y इक्वल्स टू जीरो रखेंगे और z इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। मतलब भैया क्या बोला समझ नहीं आया। देखो इस इक्वेशन में मैं y और z की वैल्यू कुछ रखूंगा तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी ना। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम यहाँ पे y z जीरो रखें और x की वैल्यू निकालें, ठीक है। यहां से कुछ x की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, जब y z को मैं जीरो रखूंगा तो डी वन बाई ए वन आ रही है, डी वन अपॉन ए वन, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को दो चीजों की जरूरत है, x और z की। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, z की वैल्यू मैं जीरो पुट कर दूंगा। तो अब इस वाली इक्वेशन में मैं x की वैल्यू ये पुट करूंगा और z की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा। तो जब मैं x की वैल्यू ये पुट करूंगा और z की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो y की कुछ वैल्यू आएगी, वो y की वैल्यू और x की वैल्यू ये वाली इसमें पुट करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हम आगे करते जाएंगे, फिर हमें x y की वैल्यू मिल गई, फिर हम वापस उसमें पुट कर देंगे वैल्यू और फिर आगे ऐसे ही करते जाते हैं। क्लियर हो रहा है क्या करना होता है, नहीं हो रहा क्या, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी तुम्हें समझ आ रहा है कि इसमें करना क्या है, या कोई डाउट आ रहा है? डाउट ये आ रहा होगा कि भैया आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्स लिख दिया, सेकंड इक्वेशन के लिए वाई लिख दिया, थर्ड इक्वेशन के लिए जेड लिख दिया, ये समझ कैसे आएगा? मैं इसके लिए एक्स लिख सकता हूँ क्या, या इसके लिए एक्स लिख सकती हूँ, इसके लिए एक्स लिख सकता हूँ, कैसे समझ आएगा किसके लिए क्या लिखना है, किसके लिए एक्स की वैल्यू होगी, किसके लिए वाई की वैल्यू होगी, किसके लिए जेड की वैल्यू होगी? तो देखो ऐसा है, बहुत आसान है, जिसमें एक्स का सबसे बड़ा कोफिशियंट हो। फॉर एग्जाम्पल अपन इसमें ये मान के चल रहे हैं कि ए वन इज ग्रेटर देन बी वन इज ग्रेटर देन बी वन ए वन इज ग्रेटर देन सी वन। मतलब जिसमें x का सबसे बड़ा कोफिशियंट हो वहां से अपन x की वैल्यू लिखेंगे, जिसमें y का सबसे बड़ा कोफिशियंट हो वहां से हम y की वैल्यू लिखेंगे, और जिसमें z का सबसे बड़ा कोफिशियंट हो वहां से हम z की वैल्यू लिखेंगे। अब वो कोई भी इक्वेशन हो सकती है। क्लियर हुआ x y z की वैल्यूज कैसे आती है? अब इक्वेशन देखो तो तुम्हें पूरी बहुत सीडियल मेथड क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये तीन इक्वेशन के बारे में सॉल्व यूजिंग गॉस सीडियल मेथड करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो अब देखो करना क्या होता है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना। मैंने क्या बोला था, एक्स वो लेंगे जिसमें एक्स का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा, वाई वो लेंगे जिसमें वाई का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा, और जेड वो वाला लेंगे जिसमें जेड का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। तो एक्स वाई जेड की जब मैं वैल्यूज लिखूंगा तो वो क्या हो जाएंगी, एक्स इक्वल्स टू नाइन माइनस टू वाई प्लस जेड अपॉन टेन, ठीक है। वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना, माइनस 44 माइनस 2x प्लस 2z अपॉन 20, क्योंकि इन तीनों में x का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा इसमें है, y का कोएफिशिएंट इस वाली इक्वेशन में बड़ा है, और इस वाली इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट बड़ा है, इसलिए अपन ने ये वाली इक्वेशन चूज करी। z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, 22 प्लस 2x माइनस 3y अपॉन कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब क्या करना होता है, अब अपने को इटरेशंस करने होते हैं। चलो अब इस कॉलम में डिवाइड कर लेता हूँ, ये फर्स्ट, ये यार बहुत सारी ज्यादा देंगे, चार करने होंगे एटलीस्ट अपने को, तो सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। एक्स की वैल्यूज, ये वाई की वैल्यूज और नीचे जेड की वैल्यूज, ठीक है। तो अपन फर्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था गॉस सीडीएल में सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो और y इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो। जब z जीरो और y जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू 0.9, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें अब एक्स की वैल्यू है अपने पास, तो एक्स की वैल्यू अपन रखेंगे 0.9 और y की वैल्यू निकालनी, सॉरी y की वैल्यू तो रखनी नहीं, z की वैल्यू रखेंगे अपन 0। ठीक है, एक बार देखते जाओ तुम्हें क्लियर होगा कल कह रहा हूँ। तो x की वैल्यू 0.9 रखेंगे और z की वैल्यू 0 रखेंगे, तो अरे यार मेरे पास लिखा हुआ है, अरे मैंने कैलकुलेटर से पहले से निकाल कर रखा है, तो ये हो जाएगा -2.29। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, जब x की वैल्यू मैंने 0.9 रखी और z की वैल्यू 0 रखी। ठीक है, अब इसमें अपने को z निकालना है, मेरे पास x की वैल्यू है, मेरे पास y की वैल्यू है, तो अब z आराम से निकल जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 0.9, y की वैल्यू हो जाएगी -2.29। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो z की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.067, ये z आ गया। ये हमारा पहले अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अब इन पहले अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के यूज करके हम सेकंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते रहेंगे। देखो कैसे, अब अपन ने जब x की वैल्यू स्टार्टिंग में निकाली थी तब अपन ने खुद से अज्यूम करा था z0 y0, बट अपने पास अब z और y की वैल्यू कुछ है, तो अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली y की वैल्यू यूज करेंगे, ये वाली z की वैल्यू यूज करेंगे। तो अब मैं रखूंगा y = -2.29 और z = रखूंगा मैं 3.067, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी इसमें, जब मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर से, तो तुम लोग करोगे तो तुम्हारी ये वैल्यू आएगी 1.0513। ठीक है, अब मेरे पास x की नई वैल्यू है, तो x की पुरानी वैल्यू भूल जाओ, अब नया रूट अपने ही आ गया, रूट में तो सॉरी नया सॉल्यूशन x के लिए ही आ गया, तो x का सॉल्यूशन हो जाएगा अपना 1.0513, y की वैल्यू हो जाएगी अपनी, निकालनी है y की वैल्यू अपने को, z की वैल्यू जो लास्ट वैल्यू आई अपनी वो गई z की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं x y इधर पे पुट करूंगा, x z यहां पे पुट करूंगा, तो y की वैल्यू आएगी -1.99843। ठीक है, अब अपने पास y की नई वैल्यू आ गई है, तो पुराना सॉल्यूशन भूल जाओ y के लिए, ये नया सॉल्यूशन आ गया। तो अब x की वैल्यू अपन पुट करेंगे ये वाली 1.0513, y की वैल्यू पुट करेंगे अपन ये वाली -1.99843 और z की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x y की वैल्यू यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा, z की वैल्यू निकालूंगा, तो वो आ जाएगी 3.00979। क्लियर है क्या कर रहे हैं अपन, अपन पहले कोई वैल्यू निकालते हैं, उस x की वैल्यू को नेक्स्ट में पुट कर देते हैं और z की वैल्यू निकालते हैं, फिर y की वैल्यू मिल जाती है, फिर जो वैल्यूज मिलती है उसे नेक्स्ट में पुट करके दूसरी वैल्यूज निकालते हैं, फिर जो वैल्यू मिलती है उसे नेक्स्ट में पुट करके दूसरी वैल्यूज निकालते हैं। ये होती है सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसे, मतलब तुम कहीं पढ़ोगे तो तुम्हें डेफिनेशन में ये भी दिखाया जाएगा, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकालना, ये सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट करके अप्रोक्सीमेशन निकालना। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन अपने आते जाते हैं, यही होता है गॉसियन मेथड में। अब बताओ यहाँ पे मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा और z की वैल्यू क्या रखूंगा, सोचो, ये जो y की वैल्यू आई है ये रखूंगा या ये रखूंगा, नई वाली वैल्यू आई है तो नई वाली वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू रखेंगे अपने यहाँ पे 1.99843 और z की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली है, ये वाली रखेंगे ना, नई वाली वैल्यू 3.00979, ऐसा हो गया ताजी वैल्यू ये वाली है अपने पास, तो ये वाली रखेंगे, अरे ताजी मतलब समझते हो ना, पापा आप सब्जी वब्जी लेके आते हैं तो ताजी सब्जियां ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो ताजी वैल्यू रखने हमने को z की वैल्यू दे, थर्ड अपना सॉल्यूशन आ जाएगा जब मैं इन दोनों को इसमें पुट करूंगा, तो 0.99871। ठीक है, अब अपने को निकालना है नेक्स्ट y की वैल्यू, y की वैल्यू को मेरे को x और z चाहिए, x अपना ताजा ये वाला है, तो x हो जाएगा 0.99871, z अपना ताजा कौन सा वाला है, ये वाला ताजा है, तो 3.00979। तो ये दोनों जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1.99889। क्लियर है, ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट करा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो -1.99889 आया। ठीक है, अब मेरे को निकालना है z की वैल्यू, तो x की वैल्यू ताजी ये वाली है, नई वैल्यू भी कह सकते हैं 0.99871, y की वैल्यू ताजी ये वाली है -1.99889। इन दोनों को जब मैं इस वाली z की इक्वेशन में पुट करूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 2.9941। ठीक है, कैलकुलेटर से निकाला इसलिए इतना एक्यूरेट आ रहा है, नहीं तो कौन सा लग रहा था मैं सकता। ठीक है, तो कैलकुलेटर से निकालोगे तो आ जाएगा, समझ आया, ये अपना थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। अपने को कहां तक निकालना है, अपने को 2 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करना है, तो चेक करो भाई 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं आ रहा भाई, ये सेम आ गया भाई, और ये 3.0 नहीं, ये भी सेम नहीं आया है, समझ आ रहा है ना। जो अपन बाइसेक्शन सब में क्या करते थे, अप्रोक्सीमेशन करते जाते थे, चेक करते जाते थे कहां पे इक्वल आने लगे,
जहां पे इक्वल आने लगते थे डेसिमल प्लेसेस तक, वहां पर हम रुक जाते थे, हमारा आंसर हो जाता था। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालते हैं। फोर्थ के लिए एक्स निकालना है तो वाई की वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू रखूंगा मैं -1.99889, जेड की वैल्यू रखूंगा मैं 2.9941। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने 0.9984। ठीक है, और अब अपन रखेंगे y की वैल्यू के लिए। y की वैल्यू के लिए आपको x और z चाहिए, ताजा x ही आया है, ताजा z ही है, तो ताजा x रख दो यहाँ पे 0.9984, ताजा z रख दो यहाँ पे 2.9941, तो अपना ताजा y आ जाएगा। ताजा y कितना आएगा, -2.0004। ठीक है, उसके बाद अपने को निकालना है z, z के लिए अपने को y और x चाहिए, तो ये निकल के आ गया अपना y और x। y x की वैल्यू रख देंगे अपन 0.12384, और y की वैल्यू रख देंगे अपन -2.12304, तो z अपना आ जाएगा 2.4/4/8। ठीक है, अब चेक करो कि अभी दो प्लेसेस तक सेम आ रहे हैं करो, नहीं यहाँ पे 3067 था, 300 था नहीं आया, 300299 नहीं आ सकते, 2.99 सेम आ गया, तो z की वैल्यू अपनी आ रही है 2.99। ठीक है, x की वैल्यू देख लो भाई, x की वैल्यू आ रही है 0.99 0.14, ये नहीं आया, ये आ गया यहाँ पे 0.99, तो x की वैल्यू आ रही है अपनी 0.99। z की वैल्यू z हो गया, x हो गया, y की वैल्यू देखो 1.99 1.99, तो यहीं पे सेम आ गया था ये तो, बट 1.9988 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2 भी कह सकते हैं सर, तो हम यहाँ पे दोनों आंसर लिख सकते हो, y का 1.99 भी कह सकते हो, या फिर y का तुम ये भी लिख सकते हो माइनस लिखना, -1.99 -2.00, दोनों में से जो लिखना वो लिख सकते हो। क्लियर, इससे भी z को अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं, और ये 0.99 है तो x को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, तो आंसर ये भी हो सकते हैं, और इनसे अप्रोक्सीमेट आंसर लेके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ, करा गया यहाँ पे, अपन ने पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, उससे दूसरी निकाली, फिर दूसरी आई उससे तीसरी निकाली, जो तीसरी आई उससे चौथी निकाली। ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली थी वो यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे जो x और y की वैल्यू मिली थी वो यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे जो x y से z की वैल्यू मिली थी वो x निकालने के लिए यूज किया, वहां से जो x की वैल्यू मिली उसे y के लिए यूज किया, तो सक्सेसिवली हम यूज करते जा रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं गॉस सीडियल मेथड। क्लियर हुआ, इससे हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलते हैं, समझ आया, चलो बहुत बढ़िया। तो गॉस सीडियल मेथड क्लियर हुई, अब देखते हैं अपन जैकोबीज मेथड। अरे क्लियर हुई ना गॉस सीडियल मेथड, कुछ नहीं है भाई, सक्सेसिवली हमारी जो वैल्यूज आती रहती है उन्हें आगे पुट करते जाते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें दो तीन डाउट्स आ सकते हैं, पहला डाउट कि सर कब तक करना है, जब तक हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तब तक करते जाना है, वही बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्स, न्यूटन, सब में वही करते थे ना कि हमारे दो रूट आखिरी में सेम आने लगते थे तो वहीं रुक जाते थे, इसमें भी वही करना है, दो सॉल्यूशन सेम आने लगेंगे तो वहीं पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक और डाउट आ सकता है कि सर अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो कि कितने इटरेशंस करने हो या फिर कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट चाहिए तो क्या करेंगे, वही चीज कि जहां पे हमारे रूट रिपीट होने लगे, मतलब मैक्सिमम 4 या 5 में होने लगते हैं रिपीट, तो इतने तो करके ही आना, वो एग्जाम में टाइम पे डिपेंड करता है, तुम 4 इटरेशंस तो करके आना, 4 इटरेशन के बाद तुम्हारा जो भी आंसर है वो लिख देना, 5 इटरेशंस करके आ जाना, ज्यादा टाइम हो तो 5 इटरेशन करने के बाद जो आंसर है वो लिख देना, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि 5 इटरेशन करना तो आंसर ज्यादा करेक्ट आएगा। ठीक है, समझ आया ना, 5 इटरेशन मतलब 5 बार अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकालना। ठीक है, जब कुछ भी नहीं लिखा हो, वैसे लिखा हुआ रहता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए या 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट चाहिए। क्लियर हुआ, चलो तो अब देखते हैं जैकोबीज मेथड। जैकोबीज मेथड और गॉस सीडल मेथड में बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। गॉस सीडल मेथड में हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में एक्स निकालने के लिए y को और z को 0 कर रहे थे, याद है कि नहीं, अब भी करा था अपन ने। ठीक है, तो जैकोबीज मेथड में पहली जो स्टेप होगी ना उसमें x निकालने के लिए तो ये करेंगे, y निकालने के लिए भी यही करेंगे, x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 पुट कर देना, z निकालने के लिए भी यही करेंगे, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पुट कर देना। इधर से तुम्हें x y z की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी, तो जैकोबी मेथड थोड़ी सी इजी होती है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमें 0 0 पुट करना होता है तो डायरेक्टली मिल जाती है। गॉस सीडियल में क्या कर रहे थे, याद है ना, गॉस सीडियल में जो x की वैल्यू यहाँ आती थी वो पुट करते थे, बट जैकोबी मेथड में 0 ही पुट करना है।
यहाँ पे जो y और x की वैल्यू आएगी उसके लिए z निकालते थे हम, बट जैकोबी मेथड में क्या करना है, y को और x को भी जीरो पुट करना है। तो जैकोबी मेथड और गॉस सीडल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पहली स्टेप में जैकोबीज मेथड में सब में जीरो पुट कर देते हैं, x निकालने के लिए yz को जीरो पुट करेंगे, y निकालने के लिए xz को जीरो पुट करेंगे, z निकालने के लिए xy को जीरो पुट करेंगे, तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अब जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा उसमें x की वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ से yz की वैल्यू आई है वो पुट कर देना, ठीक है। y निकालने के लिए जो x की वैल्यू आ गई है और जो z की इनिशियल वैल्यू है उन दोनों को पुट कर देना, तो y निकल जाएगा। क्लियर हुआ, बाकी आगे की स्टेप सारी वही है। तो ये होमवर्क लिख लो, इसका आंसर और सॉल्यूशन तो मेरे नोट्स में मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।